बीते गुरुवार वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कल सिगरा थाना क्षेत्र स्थित शहीद उद्यान के सामने नगर निगम के डंपर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अपने गुड्डू लंच करने जा रहे थे, ये नहीं हम लोग आ रहे थे, पता चला एक्सीडेंट हो गया, अभी आ रहे हैं जस्ट यहीं पे। हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंची। पूछताछ में युवक का नाम गुड्डू पांडे बताया जा रहा है। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय युवक बिहार का मूल निवासी था। लोगों ने बताया कि मृतक गुड्डू सिगरा थाना क्षेत्र में स्थित एक मॉल में काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। ये हमारे यहाँ किराए पे रहते थे, ये भी 2 महीना 3 तीसरा महीना लगा है उनको। इसका नाम गुड्डू पांडे था, ये बिहार का रहने वाला है। ये सुपर मार्ट आईपी मॉल में है, वहाँ पे ये काम करता है। ये घर पर अपने भाई को खबर किए कि हम आ रहे हैं खाना खाने, और खाना खाने के लिए जैसे ही निकले हैं, नगर निगम की इतनी तेज गति के साथ चलने वाली गाड़ी वो चढ़ाते हुए अगले पहिए से दबाते हुए आगे की ओर बढ़ी है। नहीं, ये नगर निगम वाले जो ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं ताकि हमारी गाड़ी का कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार की अनदेखी कहानी है। ड्राइवर भाग गया और ये इसमें नगर निगम बिना ऑपरेटर के गाड़ी दे देता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।